अपना हिस्सा मान नसीब होने के लिए बावादे बुलंद सलमा एक बार फिर बावादे बुलंद सलवात गुजारिश की है कि आज सिवाय सलवात के अलावा आपसे गुजारिश है कि बावादे बुलंद सलवात भेजे बस اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بقضائه وتسليما لأمره روزے عاشورا کے سورج یہ مجمع تجھ سے پوچھنے آیا ہے کہ تو نے آج کیا کیا دیکھا ہمیں بتا کہ حسین نے عباس کے بازو کہاں سے اٹھایا اے عاشورا کے سورج ہمیں بتا کہ علی اکبر کو برچی کہاں لگی اے آفتاب کربلا اتنا بتا کہ قاسم بامال کہاں ہوا ہم تجھ سے ایک اور سوال بھی کریں یہ بتا جب زینب کی چادر اتر رہی تھی تو نے سیلانی کا یہ منظر مصیبت کیسے دیکھا رونے والوں لاشے تو حسین نے بہت اٹھائے بلکہ ہر لاشا خود اٹھایا رونا اسی کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا مگر چار لاشوں پہ حسین بہت روئے ابھی آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں جب شام غریبہ کی اس مجلس میں بلند بلند گریا ہو تو احتیاط رہے احتیاط رہے کہ کیا معلوم برابر سے رونے والی آواز امام سجادہ خواتین سے کہوں گا ادب رہے احترام رہے آپ کے درمیان حسین کی چار سالہ بچی اپنی دادی زہرا کے ساتھ آج گلشن حدید کی اس مرکزی مجلس شام غریبہ میں بلائیے بی بی زہرا کو بلائیے وارث عزا امام زمانہ کو اور امام آپ
आपके गिरिए पर खास इनायत होगी। लाशें तो हुसैन ने बहुत उठाए मगर चार लाशों पर इमाम बहुत हुए। मैं बहुत दूर से है आपके सामने इसीलिए आया हूं, मुझे जल्दी नहीं है। सारे दिन से आप रो रहे हैं, अब ज़ैनब अकेली है, एक लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए वो कासिम का लाशा है। मुझे आज ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इशारे में बात करूंगा। आप तो खुद रोने आए हैं, बदन तो करबला में दो पामाल हुए, घोड़े दो बदनों पे दौड़े हैं, एक कासिम का बदन एक हुसैन का बदन, मगर दोनों बदनों में फर्क यह है एक जिंदगी में पामाल हुआ और एक शहादत के बाद पामाल हुआ। सलाम करे उस बेवा माँ को जिसके बच्चे का बदन टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा लाशा जिस पे हुसैन मौला बहुत रोए वो लाशा अब्बास का लाशा, अपने भाई का लाशा नहर के किनारे छोड़ आए, मुड़ मुड़ कर लाशा देखते रहे। तीसरा लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए वो लाशा अली अकबर का लाशा। शामे गरीबा है, मैं आपको दुआ भी नहीं दे सकता, आज अपने बारे में तो बात ही नहीं करते। मेरे सर पर मामा यूं नहीं है कि आज हुसैन का मामा लोगों ने छोड़ा नहीं। जो बाहर बैठे हैं जो अंदर बैठे हैं अपनी आवाजों को आजाद करें। जब आपकी सदाए गिरिया बुलंद होती है ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमल को जिंदा कर रहे हैं। आपको ऐसे रोता हुआ देखकर इमाम मोहम्मद बाकर दोनों हाथ उठा लेते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमल को जिंदा कर रहे हैं। तीसरा लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए वो अली अकबर का लाशा। आवाजों को आजाद करें, रोशनी भी बुझा दी गई है, किसी का बिगड़ा हुआ चेहरा सिर्फ जहरा देखे। नहीं मालूम आइंदा साल शाम गरीबा हमारी जिंदगी में है या नहीं, साल में एक मरतबा ये मजलिस आती है, पूरे अशरे की तवज्जो एक तरफ और शाम गरीबा की मजलिस की रूहानियत एक तरफ। जब आप ऐसे रोते हैं ना तो यकीन कर लिया करें कि इमाम सज्जाद आ गए। अपने जवान बेटे का लाशा उठा रहा था
तो इमाम ने बढ़कर लाशा ले लिया और ये कहा कि जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। हम इसलिए रोने आए हैं कि जब अली अकबर का लाशा हुसैन उठा रहे हैं तो कौन है जो बढ़कर कहे जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। बराबर से एक बीबी की आवाज आई, हुसैन ने मुड़कर देखा तो बहन ज़ैनब खड़ी है। भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। चौथा लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए, थकेंगे नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, सांस ले लेके सोच सोच के रोइए। बाज औकात एक जुमला रोने को बहुत होता है, एक जुमला रोने को बहुत होता है। पंजाब की एक अदालत में जज फैसला सुनाने के लिए गवाहों के बयानात को कलमबंद कर रहा था। कासे दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाता था, इमरान हाजिर हो, सत्तार हाजिर हो, एक एक आकर अपना अपना बयान कलमबंद करवा रहा था कि इसी असना में कासिद ने आवाज लगाई, ज़ैनब हाजिर हो। जज ने कुर्सी छोड़ दी, रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे स्टाफ गया तो कहने लगा 1400 साल बाद मुझसे ये जुमला बर्दाश्त नहीं हुआ। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बाज़ औकात एक जुमला रोने को बहुत होता है, मुझे जल्दी नहीं है, सोच सोच के रोइए। अज़ादारो चौथा लाशा जो हुसैन ने उठाया और हुसैन बहुत रोए, सुनेंगे वो छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठ नहीं रहा था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे। गर्मी बड़ी शदीद थी, एक जवान मेरे पास आया कि लगा मौलाना मेरी दादी कहती हैं कि मुहर्रम में मछली नहीं खाते। मैं कह रहा था कि मुझे खाना है मगर दादी रोक रही है, तो मैंने कहा मौलाना से मसला पूछूंगा, मौलाना बताएं मुहर्रम में मछली शरण खाना जायज है या नाजायज। जवानों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, ये मसला मुझे नहीं पता, मगर तुम दादी की बात मान लो। कहने लगा मसला क्या है, मैंने कहा तुम्हारी दादी ठीक कहती है। हुसैन ने अली असगर के तड़पने को कुछ देर पहले तक तड़प रहा था, तीर खा के सो गया। हुसैन ने अबा का दामन डाल दिया, गोद में बच्चा दिया हुआ है,
खैमे के करीब गए तो न जाने का ख्याल आया, उल्टे पैर पीछे हटने लगे, फिर क्या ख्याल आया आगे बढ़ने लगे, खैमे से पर्दा हटा, सकीना नजर आई, बच्ची ने देखा कि बाबा की गोद में भाई सो गया है, जो थोड़ी देर पहले तड़प रहा था उसने पानी पी लिया और भाई पानी पी के सो गया, बहुत थक गया था ना, तो वहीं से आवाज देकर कहा बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी ले जाओ। हुसैन क्या जवाब दे के कैसा पानी पिया, जब खैमे में मां ने बच्ची की आवाज सुनी तो जनाबे रबाब दौड़ती हुई बाहर आई। अब रबाब आगे आ रही है और हुसैन पीछे हट रहे हैं, रबाब आगे आ रही है, इमाम पीछे हट रहे हैं, और पीछे हटते हुए कहने लगे रबाब मैं कौन हूं, अपनी जोजा से पूछ रहे बताओ मैं कौन हूं। जनाबे रबाब ने गौर से देखकर कहा मेरे इमाम है, आप हुज्जत खुदा है, आप मेरे वाली हैं। इमाम ने अबा का दामन हटा दिया, मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, अब करबला है और हुसैन अकेले है, कोई बचा नहीं, सब मारे गए। इमाम बीबियों से रुख्सत लेने के लिए खैमा गहर आए, कैसे रुख्सत ली है इसका बयान मुश्किल है, मगर खैमे से बाहर आए तो घोड़ा गर्दन झुकाए खड़ा है। इमाम उस पर बैठे, गर्दन पे हाथ लगाते हुए फरमाया आखिरी जहमत है, ऐ रहवार मुझे मैदाने करबला तक ले चल। घोड़े ने पैर नहीं उठाए, इमाम को ताज्जुब हुआ कि आज से पहले कभी इसने मेरा हुक्म टाला नहीं। इमाम ने फिर गर्दन पर हाथ फेरते हुए फरमाया तू इतना ही प्यासा है जितना मैं प्यासा हूं। घोड़े ने पैर नहीं उठाए और इशारा किया अपने पैरों की तरफ, क्या देखा सकीना पैर पकड़े बैठी है और आहिस्ता आहिस्ता कह रही है बाबा के घोड़े मेरे बाबा को ना ले जा, मेरा भाई सैयद सज्जाद बीमार है। हुसैन घोड़े से उतरे, इमाम ने अपनी बच्ची को सीने पर लगा लिटाया, जनाबे सकीना चंद लम्हों के लिए सीने से लिपटी थी कि बाबा की पेशानी का बोसा देकर कहा बाबा अलविदा। इमाम ने कहा सकीना ऐसे मुझे रुख्सत कर रही हो, कहा दादी जहरा की आवाज आ रही है, सकीना मैं मक्तल में हुसैन का इंतजार कर रही हूं, दादी दादी आपको बुला रही है। हुसैन घोड़े पर बैठकर मैदाने करबला रवाना हुए, लश्कर तीन हिस्सों में तकसीम है, मैमना मैसरा कल्बे लश्कर। इमाम ने तीनों लश्करों को मखलूत कर दिया अपने जंग के अंदाज से और हुसैन अकेले, जब फौजें हुसैन से डरने के लिए धरती थी और भागती थी तो हुसैन घोड़े की पुश पे खड़े होकर कभी नहर की तरफ रुक करके कहते थे अब्बास अपने अकेले मौला की जंग देखो, कभी गंजे शहीदा की तरफ रुक करके कहते थे ऐ मेरे शहसवारों अपने अकेला अकेले मौला की जंग देखो। कूफे का एक मुसाफिर है जो 6 महीने के बाद कूफे में दाखिल हुआ, तारीख ने उसका नाम अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अजदी लिखा,
कूफे में दाखिल हुआ तो देखा बाजार बंद है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई मर्द नहीं है, कोई दुकान नहीं खुली हुई। कहता है कि ताज्जुब हुआ कि आखिर कूफे में कोई ताबून आ गया, कूफे वाले कहाँ चले गए। कहता है मैं परेशान घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने इस्तकबाल किया। मैंने बेटी से पहले सवाल ये किया, बेटी ये कूफे वाले कहाँ चले गए। कहा बाबा जल्दी दोबारा आप घोड़ा तैयार कीजिए, कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे कर्बोबला कहते हैं, उस बयाबान में एक बागी ने खुरूज किया है और हाकिम का ऐलान यह है कि अगर बागी को मारने के लिए कूफे वाले न गए तो सजा दी जाएगी, बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए। अब्दुल्ला कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया ये बागी कौन है जिसे मारने के लिए ले जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि वो कौन है। कहता है कि मैं घोड़ा तैयार करके निकलने लगा तो बेटी ने रुख्सत करते हुए कहा बाबा आप जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है, माले गनीमत में अगर अतीत यमनी मिल जाए, यमनी पत्थर मिल जाए तो ले आइएगा, मैं अपने गले का हार जेवर बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं घोड़े पर बैठकर कूफे से कर्बला गया, जब कर्बला पहुंचा तो असर आशूर का वक्त था, मैंने अजीब मंजर देखा, एक 56 साल बूढ़ा जख्मी है जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है, जिसे हजारों के तादाद में लश्कर मारना चाहता है मगर उसका रोब ऐसा है वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागने लगती हैं। एक भागते हुए सिपाही से मैंने पूछा तुम इस अकेले से डरते क्यों हो, तुम तो हजारों में हो और ये अकेला है। तो वो भागते हुए कहने लगा तुम भी हट जाओ, इसके एक भाई का नाम अब्बास था। अब्दुल्ला कहता फिर मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन है जो अकेला भी है और इसे हजारों का लश्कर मार नहीं पा रहा, मगर कहता है कि मुझे इतना पता था कि मैं इसे मार दूंगा तो जंग ठंडी पड़ जाएगी। अब्दुल्ला कहता है मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के करीब पीछे लगाना शुरू किया और कमीन गाहों से होता हुआ इतना करीब आ गया कि मेरा घोड़ा एक जस्त लगाए और मैं तलवार चलाकर उनका काम तमाम कर दूं। कहता है मैंने इरादा करके तलवार खींची कि उन्होंने मुड़कर मुझे देखा, फौरन यहां तलवार खींची वहां मुड़कर देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। कहने लगा मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मुझे मेरे नाम से पहचानता है। मैं डर के घबरा के रुका तो फिर आवाज आई अब्दुल्ला करीब आओ, मुझसे बढ़ा नहीं जा रहा था तो हाथ से अंगूठी उतारी और कहा ये अकीद यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन। कर्बला में आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया फ़द्ख़ुली फ़ी इबादी वद्ख़ुली जन्नती। हुसैन को हुसैन का रब बुला रहा है, मेरे मौला पर पत्थर आना शुरू हुए, नेज़े मारे गए, तलवारें चलाई गई और हुसैन जब घोड़े पर दुश्मन का मुकाबला करते हुए जख्मों से चूर कभी दाएं जाते थे कभी बाएं तो एक तीरे से शोभा सीने में आके लगा जो कमर से निकल रहा था। इमाम से मुझे मसाइब पूरे पढ़ने देंगे, इमाम से इमाम ने वो तीर निकालना चाहा तो तीर निकला नहीं और फिर घोड़े पे बैठा नहीं गया, गिरने लगे तो इशारा करके कहा लावल्लाह मुझे नहीं चाहिए, उधर गिरने लगे तो कहा मुझे नहीं चाहिए। हजरत मुख्तार के दरबार में जब सिपाहियों ने कहा ना हुसैन गिरते हुए कहते थे मुझे नहीं चाहिए लावल्लाह लावल्लाह, तो कोई था ही नहीं जो कुछ दे रहा हो और हुसैन कह रहे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने हरम में हजरत मासूम खुम में आयतुल्लाह फातमिनिया से ये मसाइब सुने, जब हुसैन गिर रहे थे तो कहते थे मुझे नहीं चाहिए, कौन क्या दे रहा था। वो कहने लगे जहरा आगे बढ़ के कहती थी मेरी गोद में आ जा और हुसैन कहते थे अम्मा ये मेरा इम्तिहान है, मुझे खुद जमीन है कर्बला पे गिरने दीजिए
हुसैन ने जीन छोड़ दी मगर जमीन तक आने में बहुत देर लगी। तीरों पर मौला का जहरा का लाल, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, मेरे मौला जमीन करबला पर